फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ कि हम अलाइनमेंट क्या है और अलाइनमेंट का यूज़ करके हम कैसे अपनी कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, उन्होंने सुना होगा कि अब्राहम हिक्स बहुत बार बोलती है कि हमेशा अलाइनमेंट में रहिए, अलाइनमेंट में रहिए। तो ये अलाइनमेंट शब्द होता क्या है, इसका क्या मीनिंग है? अलाइनमेंट कुछ और नहीं है, बस यही है कि हमें पूरा दिन एक हैप्पी स्टेट में रहना है, हैप्पी मोमेंट में रहना है। मीन्स खुद को एक जॉयफुल हैप्पीनेस मूड में रखना है, एक ऐसा मूड जिसमें आपको बहुत भरोसा है कि आपके पास जो चाहिए वो सब है। मीन्स कि जब आपको कोई चीज़ अचीव होती है तो आप कितने खुश होते हैं, उसी खुशी को आपको हमेशा अपने पास अपने साथ उस खुशी को जीना होता है। तो आपको जब भी कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको अपने आप को वाइब्रेशनली बहुत हाई रखना पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब आपको इटर्नल पीस मिलता है, इटर्नल हैप्पीनेस आती है, तो आप कितना खुश होते हो। आपके सामने ठीक आपका दुश्मन भी खड़ा होगा तो वो भी आपको अच्छा लगेगा, उसके अंदर भी आपको अच्छाइयाँ दिखाई देने लग जाती हैं जब आप खुद बहुत अंदर से खुश होते हैं। तो मीन्स आप अंदर से इतने हैप्पी और जॉयफुल मूड में होते हैं कि आपके सामने दुनिया का कोई भी दुख छोटा लगने लगता है आपको। तो हम कैसे उस अलाइनमेंट को अचीव करें, कैसे पता चले कि हम अलाइनमेंट में आए हैं कि नहीं आए हैं, और हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं? तो उसके कुछ स्टेप्स हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी एक्स वाई जेड कंपनी में जॉब है, एक्स वाई जेड पोजिशन पे है, एक्स वाई जेड सैलरी है, आपने उसको मैनिफेस्ट करना है, और आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी टेक्निक को फॉलो किया और स्टार्ट कर दिया है। जब आप अपने कोई भी टेक्निक को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं या उस टेक्निक को फॉलो कर रहे होते हैं, तो अब आपको आपका जो फोकस है वो रहेगा एक वर्ड पे, वो है कि मुझे खुद को अलाइन रखना है। मीन्स मुझे खुद को हैप्पी स्टेट में रखना है, मैं अलाइन ही मुझे रहना है, तो आप जॉयफुल मूड में रहना है। तो आप क्या करेंगे कि आपको पता चल जाए कि अभी आपका अलाइनमेंट वाली पोजीशन से आप जैसे कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कौन से स्टेप फॉलो करने हैं? तो स्टेप नंबर वन रहेगा कि आपको बहुत ही नेगेटिव थॉट आएंगे उस चीज़ को लेके, पर्टिकुलर उसी विश को लेके नेगेटिव थॉट्स आएंगे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। मीन्स कि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड, आपका यूनिवर्स सब आपको टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए तो कितने परसेंट चाहिए, कि आप 100% श्योर हो इसी को लेना चाहोगे कि कुछ चेंज अभी भी कुछ चेंजेस हैं। तो अगर आप उसी चीज़ पे टिके रहते हो, अपने उस नेगेटिव थॉट को, उस नेगेटिव वाइब्रेशन को आप पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन में लेके आ पाते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। जब आप अलाइनमेंट में रहते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसी पर्टिकुलर फील्ड या चीज़ विश को लेकर जो आपने मांग की होती है। तो आपको क्या करना है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ क्रैक करना होता है। यूनिवर्स आपके लिए उस अपॉर्चुनिटी को क्रैक नहीं करने वाला है। यूनिवर्सिटी ने आपके दरवाजे तक वो अपॉर्चुनिटी भेजी है, मीन्स वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है, आपको उसको पहचानना है कि ये मेरे लिए है और उसे क्रैक करना है, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कि आपको बहुत हाई वाइब्रेशंस में रहना है। नंबर थ्री, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहना है, जो कि बहुत ही टफ काम है, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को एक बहुत ही हैप्पी स्टेट में रख पाना, क्योंकि हम चारों तरफ नेगेटिविटी से घिरे होते हैं। हमारे लोग, हमारी स्थितियाँ, हमारी परिस्थितियाँ, और जो भी हमारा सोशल स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि हमें नेगेटिविटी आके घेर लेती है, उन सबको एक साइड के करके अपने आप को बहुत हाई पॉजिटिव और हाई मोटिवेटेड रखना पूरा समय, जब तक आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। बहुत ही टफ काम है, लेकिन आपको करना होता है। जब आप इस चीज़ को आप कर पाते हैं सक्सेसफुली, तो मीन्स ये कि आपका आपने यूनिवर्स का टेस्टिंग भी पास कर लिया, खुद को मोटिवेट भी रखा, और अभी आप वो चीज़ आपको मिलने वाली है। उसके बाद रहता है कि आपने जो अलाइन वाइब्रेशनली हाई है उसको आप कॉन्टिन्यूटी में रखें, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, ऐसा नहीं है। आप जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपकी टेक्निक का टाइम पीरियड है, या आपकी चीज़ मैनिफेस्ट, आपकी विश मैनिफेस्ट होने का टाइम पीरियड है, तब तक आपको वो कॉन्टिन्यूटी बनाए
रखना है। और नंबर फिफ्थ विच इज़ द लास्ट, इट इज़ द कि आपको आपके कॉन्ट्रास्ट को अप्रिशिएट करना है। कॉन्ट्रास्ट क्या है, जब आपके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव लोग मिलते हैं, ये चीज़ें तकलीफ़ें हमें लोगों से मिलती हैं, स्थितियों परिस्थितियों से हमें तकलीफ़ें मिलती हैं, तो हम लोग ट्रिपिंग स्टार्ट कर देते हैं, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मैं भगवान की इतनी पूजा करती हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे ही क्यों ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ अप्रिशिएट करना है कि धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, आप मुझे मेरे अच्छे के लिए। हमेशा एक वर्ड कहिए कि जो भी ईश्वर कर रहा है हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही करेगा। अगर उसने कुछ तकलीफ़ दी है तो आपको और मजबूत बनाने के लिए, अगर जॉब में कॉन्ट्रास्ट है तो किसी अच्छी पोजीशन अच्छी जगह पे पहुंचाने के लिए आपको वो कॉन्ट्रास्ट दिए जा रहे हैं। उस कॉन्ट्रास्ट में अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो डाउनफॉल में जाओगे, अगर खुद को मोटिवेट कर लिया और बाहर निकाल के हाई वाइब्रेशनली हाई हो गए तो बहुत अच्छी पोजिशन में जाओगे। अगर घर में आ रही है तो मे भी आप नया घर ले सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़े हो रहे हैं कुछ हो रहा है तो ये आपके लिए एक सिग्नल है कि अभी आपको यहाँ से उठ के एक अच्छा नया घर अपने लिए बनाना है। तो आप वहाँ से अपना फोकस शिफ्ट करके अपनी अर्निंग पे फोकस करेंगे कि मैं मेरा नया घर लूँ और वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ और पीसफुली वहाँ रहूँ, ठीक है, होता है। तो अभी आपको ये पाँचों स्टेप पता चल गए, फिर से समराइज कर देती हूँ। नंबर एक, आपकी जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने जाएंगे, आप अलाइनमेंट के थ्रू कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अलाइनमेंट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव सिचुएशंस होंगी, आपको वहाँ पे उस सिचुएशन से निकल के हायर पोजीशन में हायर सेल्फ में जाना है, हाई वाइब्रेशंस में जाना है। नंबर टू, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको क्रैक करनी है। नंबर तीन, खुद को हाई वाइब्रेशंस में रखना है, एकदम फुली अलाइंड रहना है और वाइब्रेशन में रखना है। नंबर फोर, उसी हाई वाइब्रेशंस को कंटिन्यूटी में करना है, कंटिन्यू करना है। और नंबर फाइव, जो भी तकलीफें आए, जो भी कॉन्ट्रास्ट लाइफ में आए, उसे अप्रिशिएट करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, ईश्वर को धन्यवाद करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार अलाइनमेंट का फ़ायदा लेते हुए अपने आप को हाईली मोटिवेट कर सकते हैं और अपने जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए मेरे साथ दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।